हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में धातु के बारे में पढ़ लिया था और हम देखेंगे बच्चों अधातु के बारे में। और बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों धातुओं के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम नहीं देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हम स्टार्ट में आपका पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं आपकी अधातु का। अच्छा बच्चों, अधातु क्या होता है? अब क्वेश्चन कोई पूछे अधातु क्या होता है, तो बच्चों अधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस इतना याद रखिए, अधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम आपका? अधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कोश में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें एग्जाम्पल की बच्चों, तो जैसे हमने लिया आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु भंग कितना होता है बच्चों? 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे के कोष में 2 और एल कोष में 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन है ना, और यदि 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपका क्या होगा? ये अधातु होगा। ये क्या होगा बच्चों? आपका अधातु होगा। यदि बात करें बच्चों हम आपका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु भंग कितना होता है बच्चों? 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के में कितने जाएंगे? 2 और एल में कितने जाएंगे बच्चों? 6। तो ये किसका रहा? ऑक्सीजन का। अगर बात करें बच्चों का फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन कितना होगा बच्चों? के में कितने जाएंगे बच्चों? 2 और एल में कितने जाएंगे? 7। तो ये किसका रहा बच्चों? फ्लोरीन का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बाह्यतम कोश में बच्चों इलेक्ट्रॉन है, आप खुद देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर बच्चों कितना आ गया? आपका 6 आ गया। यहाँ पर कितने हैं? 7 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3 से ज़्यादा है कि नहीं बच्चों? 3 से ज़्यादा है तो सब क्या है? आपके अधातु हैं। और कुछ एग्जांपल का डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि यह आपका फर्स्ट हो गया, यह आपका सेकेंड हो गया और आपका क्या हो गया बच्चों? थर्ड हो गया। और कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बच्चों हमने आपका ले लिया फास्फोरस, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 15। तो कीजिए 2, 8 और 5 KLM, तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या होगा? अधातु। जैसे बच्चों आप ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4 होगा। और ये आपका क्या होगा बच्चों? 2 और 4 होगा। तो ये भी क्या है? आपका अधातु है। अगर आप बात करें कि आपका सिलिकॉन क्या होगा, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ना तो भावो आपका धातु है और ना तो आपका अधातु है। अभी इसके विषय में बताया जाएगा, ये आपका उपधातु में जाता है। तो अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, ये क्या है? आपके अधातु हैं। अब हम आपका बात करेंगे अधातुओं के गुणधर्म के बारे में। आपका अधातुओं का गुणधर्म क्या होता है? जैसे बच्चों ने धातु देखा था, इसी प्रकार से आपका अधातु यहाँ पर हम देखते हैं। अधातु किसकी बात करें? बहुत ही गुणधर्म के बच्चों। अब भौतिक गुणधर्म सबसे पहले बच्चों आपको क्या देखेंगे हम? प्रॉपर्टी देखेंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? वो चमक है। तो क्या धातुओं में कोई चमक पाई जाती है? क्या बच्चों धातुओं में कोई चमक पाई जाती है? तो हाँ बच्चों,
अगर कोई पूछे अधातुओं में, नहीं, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अधातु बच्चों अघात वर्धनी होते हैं और ये क्या आते हैं बच्चों, घात वर्धनी होते हैं। ये घात वर्धनी होते हैं बच्चों, घात वर्धनी होते हैं। तो कहने का मतलब यदि हम पीटेंगे तो ये क्या होंगे, आपके टूट जाएंगे। और अगला है बच्चों आपका भंगुर। तो जो अधातुएं होते हैं बच्चों वो आपके क्या होते हैं, भंगुर होती हैं। कहने का मतलब अगर इन्हें आप पीटेंगे, यदि इन्हें आप तानने का प्रयास करेंगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो अगला क्या है बच्चों, चालकता। तो अधातुओं में हम बात करें कि अधातु विद्युत और उष्मा की क्या होती है बच्चों, कुचालक होती हैं कुछ अपवादों को छोड़कर। यदि कोई पूछे कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसे क्या बताएंगे, मरकरी। अगर कोई पूछे वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे बच्चों, ब्रोमीन। ये दोनों ही याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाएगा, और आपका मरकरी एक ऐसा धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो चमक क्या होती है बच्चों, अब बात करें यहाँ पर आपके चमक की। तो चमक अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। क्यों क्यों बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि अधातुओं में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। तो बात करें हम चमक की, चमक तो इसमें लिखें क्या बच्चों, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब कहने का बच्चों, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर। अब अगली बात करें घात वर्धनी। तो घात वर्धनी क्या होता है बच्चों, घात वर्धनी का क्या मतलब बच्चों, अगर आप घात करेंगे अघात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, टूट जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अधातुओं को पीटने पर वह टूट जाता है, जिसे घात वर्धनीय कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देख लिया कि घात वर्धनी क्या होता है, अधातुओं को पीटने पर टूट जाती है, जिसे क्या कहते हैं, घात वर्धनी कहते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, इसे हम भंगुर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम एक चीज़ और लगा रहे हैं आपका, कि यहाँ पर लिखे अतन्य, आपका लिख रहे हैं बच्चों अतन्य, ठीक बच्चों। यहाँ से आपको ये चीज़ें नहीं तो डाउट आएंगी कि आप दोनों को एक ही चीज मानकर चलिएगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें अतन्य का, टूट जाता है जिसे घात
घात वर्धनीय या स्लैश में बच्चों हमने क्या लगा लिया आपका भंगुर कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आपका अतन्य का। अब अतन्य क्या होता है, मतलब जब किसी अधातु को हम तारों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है बच्चों, टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अतन्य कहते हैं, तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों अधातुओं को खींचकर खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जिसे अतन्य ता कहते हैं। यदि बात करें बच्चों अगले प्रॉपर्टी की, तो क्या आपकी चालकता है। अब बच्चों की चालकता क्या होती है, अब चालकता बच्चों क्या होती है कि धातुएं तो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं। क्यों? क्योंकि उससे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो अधातुएं होंगी विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यही लिखेंगे बच्चों, चालकता अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं, क्योंकि विद्युत ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, बच्चों नहीं पाए जाते। तो ये चीज़ें आप बच्चों ध्यान रखिएगा, कि जो आपके अधातुएं होती हैं बच्चों वो क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती है, मतलब कुचालक होती है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हम आप लिख सकते हैं बच्चों, बहुत एग्जांपल आपको पता होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके अलावा फास्फोरस, ETC। ये सब क्या है बच्चों, अधातु हैं आपके। तो एक बातें आप ध्यान दीजिएगा, वो हम आपका बता रहे हैं, वो आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो है धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होंगे कि क्षारी होंगे, और अधातुओं के ऑक्साइड बच्चों कैसे होंगे। तो अक्सर में इस पर कन्फ्यूज़न रहता है और रहेगा भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। धातु, धातु प्लस ऑक्सीजन मतलब कहने का क्या बना बच्चों, ऑक्साइड बना। क्या नाम आपका, ऑक्साइड बना। जैसे हमने कोई धातु ले ली, NA प्लस O2, क्या बना बच्चों आपका,
Na2। तो आपका ये जो ऑक्साइड बना बच्चों, आपसे कोई पूछे कि अम्ली होगा कि क्षारी, तो इसे ध्यान दीजिए। और एक हमने लिया अधातु। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो क्या बनाएगा बच्चों, आपका बनाएगा ऑक्साइड। जैसे ही हमने लिया आपका C+O2, क्या बना दिया आपका बच्चों CO2। अब कोई पूछे ये अम्ली होगा ये अम्ली होगा, तो देखिए आप ऐसे स्टार्ट हुआ है ना, अधातु ऐसे स्टार्ट हुआ, तो ट्रिक याद रखिएगा अधातु के ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, अम्ली होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या, जब अम्ली हो गया तो बच्चों क्षारी बचा, तो दो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, आपके क्षारी होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, अम्ली होते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखिए क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में बच्चों इसे शेयर कीजिएगा, और आपको यदि कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर डाल दीजिएगा। तब तक ले बच्चों, जय हिंद, जय भारत।